और गंदम इतनी महंगी, आटा इतना महंगा जो बुनियादी जरूरत है, और फिर कोई घी की बात हो रही थी, घी इतना महंगा हो गया कि वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग आजकल किस तरह से अपने दो वक्त की रोटी अपने बाल बच्चों को खिला रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ सुनकर बहुत, कि मतलब एक बूढ़े आदमी टीवी पे कह रहे थे कि आजकल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं, और रात की रोटी जो होती है, जो बची होती है रोटी, मैं उसको सुबह के वक्त गर्म पानी में घोलकर और नमक डालकर मैं अपने बच्चों को खिलाता हूं। मियां साहब, खान साहब कहते हैं पिछली हुकूमतों के खसारे और कर्जों की वजह से ये सूरत हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं ये जो है, मैं उन्होंने कहा कि मैं ये घोल के पिलाता हूँ। लोगों के पास आज दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, लोग मर रहे हैं बीमारियों से, लेकिन किसी के पास कोई पैसे नहीं है कि वो दवाई खरीद सकें। यानी रोज आप वीडियोस देखते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ये डायबिटीज़ है, खातून थी, आजकल तो डायबिटीज़ का जो ना वो दवाई नहीं खरीद सकते, खरीदने के लिए पैसे, चंद सैकड़ों रुपए की दवाई आती है, चंद सैकड़ों की, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये गरीब कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, ये किसका दरवाज़ा खटखटाएँ और किस से जाके फरियाद करें भी हमारे साथ तो तुमने जुल्म करना था, तुमने किया, तुमने हमारे साथ इंतकाम लेना था, तुमने लिया। हम तो पत्थर के इंसान हैं, हमने तो ये सुख दुख सह लिया, लेकिन ये गरीब किधर जाएंगे? सही, ये किसको जाके अपनी फरियाद पेश करें? लेकिन मैं आज पाकिस्तान के आवाम से भी कहना चाहता हूँ, क्या इसी तरह से सिस्कियाँ ले लेके ख़त्म हो जाएंगे या फिर उठेंगे? इन जुल्म और सितम के खिलाफ उठ के खड़े होकर उनका मुकाबला करें इंशाअल्लाह। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।